पीलीभीत में इंडो नेपाल सीमा पर कई महीनों से आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के शिकंजे में आ गया। आपको बता दें कि बरही रेंज में प्रशासन द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। ये तेंदुआ लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था और इसके चलते इलाके में दहशत का माहौल था। पिछले काफी वक्त से वन विभाग इसे पिंजरे में कैद करने की कोशिश में जुटा था और आखिरकार वन विभाग तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में कामयाब हो गया। जी, टाइगर रिजर्व के बराही रेंज का मामला है। ये नेपाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की एक सीमा लगती है। वहाँ के सीमावर्ती गांवों में कुछ दिनों से तेंदुआ एक चहलकदमी हो रही थी, जो कि विगत कुछ दिनों से ग्रामीणों के बकरियों पे और गायों पर हमला कर चुका था। तो इस प्रकार लोगों द्वारा भी लगातार मांग करी जा रही थी कि इसे बचाव किया जाए। इसी क्रम में परमिशन लेकर हम लोगों ने एक पिंजरा रखवाया था एक उपयुक्त स्थान पर, और बकरी उसमें बांधी गई थी और इंतजार किया जा रहा था कि शायद उसके लालच में तेंदुआ है पकड़ा जाएगा। तो उसी क्रम में आज सुबह करीब तड़के 5 बजे तेंदुआ बकरी के लालच में आया है और पिंजरे में फंस गया है। तेंदुआ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग में खुशी की लहर है और सभी ने राहत की सांस ली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पीलीभीत से विकास सक्सेना की रिपोर्ट।